लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम तो काफी रोमांटिक आदमी हो यार। My son is very romantic. आखिर बेटा किसका हूँ? मगर डैड आज अपना कॉन्वर्सेशन कुछ सीरियस हो गया, आपने मुझे नहीं हंसाया। अरे तो अभी हंसा देता हूँ। Ladies of the gentlemen, a Russian song. Uzile frile do khurgi, arwele zire borile rouz. Arwele drli, arbuzika, arbuzika, arbuza. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you, nice audience. Thank you. Excuse me. Your father's very jovial. इससे शादी की बात करें? नहीं डैड, मैं मेम से शादी नहीं करूंगा। अरे मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूं गधे। हेलो स्वीटी पाई, बाय बाय, हाय ब्यूटीफुल, हेलो माय डियर। तेरा नाम क्या है? रेखा। ओ, मिस सेक्सी रेखा। क्या तूने कभी शीशा नहीं देखा? ओके ओके ओके, तुम एक काम करो, वो जो लड़का आ रहा है ना, हाय हाय, जस्ट गो टेल हिम सर आई लव यू, अभी पता चल जाएगा तुम कितनी सेक्सी हो। गो, कम ऑन, वरना डायलॉग सब किस भी करना पड़ेगा। गो, या गो गो सर आई लव यू। Oh my God! Even I love you. देखो, तू मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो ना? मेरा दिल तो नहीं तोड़ दोगी ना बाद में? मैं प्यार के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ। और वैसे भी हर खूबसूरत लड़की मेरी कमजोरी है, जिसकी वजह से मैं बहुत बदनाम हूँ। देखो, सच सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? अगर हाँ तो मैं तुम्हारे घर पर आके डैडी से शादी की बात करता हूँ। बताओ बताओ। नहीं नहीं सर, हमारी तो रैगिंग हो रही है। देखा, दिल तोड़ दिया ना मेरा। ये अमन को क्या हो गया? कभी किसी लड़की से बात ही नहीं करता था। हाँ, ये कैसे हो गया? मजाक कर रहा हूँ। Hey अमन, what's wrong with you? मुझे हवाओं में मोहब्बत के पत्ते उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। Hey, no, यार, लास्ट टू लास्ट ईयर की भी थीम यही थी, कुछ नया सोचना यार। तो तू ही बोलना, मैंने तो अब तक तीन थीम्स बता दी। अमन से पूछते हैं। Hi guys. Hi. Hi. क्लास शुरू नहीं हुई? अरे आज तो मिस खड़ूस ने बंक मार दी। अच्छा ये बता, तेरी इंटर्नशिप कैसी थी? ओके यार, इससे क्या पूछ रहा है, इसके बाप की तो फैक्ट्री है। ओके लिसन यार, फ्रेशर्स पार्टी के लिए एक थीम बता। ए, थीम की याद मत दिला यार, दो दिन से सोचते सोचते दिमाग पक गया मेरा। तू दो दिन से फ्रेशर्स पार्टी की थीम सोच रहा है? अरे फ्रेशर्स पार्टी की नहीं यार, डिजाइन कलेक्शन की। डिजाइन कलेक्शन? तेरा मतलब है वो ड्रेसेस जो हमें एट द एंड ऑफ द टर्म प्रेजेंट करनी है, तू उनकी थीम के बारे में अभी से सोच रहा है? हाँ यार, इस साल कोई डिसेंट अवार्ड शॉट जीतना है। चल सी यू गाइस। ओके, कहाँ जा रहा है तू? डिजाइन कलेक्शन की थीम सोच ले।
यार तुम लोगों ने एक लड़की व्हाइट ड्रेस में यहाँ से जाते हुए देखी क्या? नहीं नहीं लड़की Hey dude. Oh hi Anna. Hi, looking for something? हाँ, kind of. एक लड़की थी white dress में. एक लड़की थी नहीं, है white dress में. Not you Anna. क्यों? Why not me? I mean tell me. Why not me? Anna please cut the crap. ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? अचानक? तुमको तो पता है कि I really like you. तो अनजान क्यों बनते हो? Anna, I said cut the crap. Tell me one thing, honestly. क्या? लोग कहते हैं कि तुम्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है. Is it because you're the other type? मतलब? क्या तुम लड़कों को पसंद करते हो? है ना? लड़कों को पसंद? Are you mad? Obviously I'm not into men. लेकिन मुझे तुम में भी कोई इंटरेस्ट नहीं. That's all. How mean? ये क्या मजमा लगा रखा है? सारे स्टूडेंट्स क्यों जमा हैं यहाँ? सर, आपने सर्कुलर क्यों निकाला कि लड़के फ्रेशर्स पार्टी नहीं मना सकते? सर्कुलर निकालना हमारी परंपरा है. परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन हमारे इस इंस्टीट्यूट के तीन स्तंभ हैं. मगर सर, बीच में मत बोलो अमन. ओरिजिनल की आत्मा का ख्याल रखो. ओरिजिनल की आत्मा? मोहब्बतें में बीच में कोई नहीं बोलता. ओह, वैसे भी मुझे फ्रेशर्स पार्टी मनाने की कोई तुक समझ में नहीं आती. फ्रेशर्स पार्टी में नए और पुराने स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. उनमें दोस्ती बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है, स्टूडेंट्स में एकता बढ़ती है. और एकता की हमारे देश को सख्त जरूरत है. इनमें से एकता कौन है? मैं देश की एकता की बात कर रहा हूं सर. ओ, देश की एकता. हाँ सर. और जानते हैं सर, स्टूडेंट्स ने आज की पार्टी की थीम क्या सोची थी? क्या? एडम और ईव की. बड़ी वाहिया थीम है. आप ही की दी हुई थीम है सर. मेरी? यस सर. जब मैं यहाँ स्टूडेंट था तो आपने अपने एक लेक्चर में कहा था कि फैशन की शुरुआत एडम और ईव से हुई थी. मैं आपके उसी लेक्चर से इंस्पायर हुआ हूँ सर. अगर मेरे लेक्चर से इंस्पायर होकर सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, क्योंकि मैं कभी गलत सोच नहीं सकता. मिस्टर आयरन, आप मेरे बताए हुए थीम पर फ्रेशर्स पार्टी मना सकते हैं. थैंक यू सर. सर, आपने तो कमाल कर दिया. मिस्टर नारा शंकर को राजी कर लिया. लेकिन एक बात बताइए, ये एडम एंड ईव की थीम सचमुच उन्हीं की थी? बिल्कुल नहीं अमन. मैंने उन्हें क्रेडिट देकर अपनी बात मनवा ली. सर, You're a genius! I'm the best!